ये देखो यहाँ से देखो, ये ऐसी दिखेगी। इसका आर्किटेक्चर इतने बारीकी से बना हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। आज आपका भाई सुरेश आपको दिखाएगा जोधपुर का सबसे प्राचीन जो स्थान है। और ये जो है आपके जोधपुर से मंडोर से आगे आप आओगे वहाँ पर आपको ये स्थान बना हुआ है। इसे कहा जाता है पंचकुंडा छत्रिया, जोधपुर के जो है राजाओं और महाराजाओं के याद में बनी हुई है। और यहाँ पर आपको मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये यहाँ से लेके आप देख सकते हो वो जो सबसे पीछे दिख रही है छतरी, एक ही जगह पर इतनी सारी छतरियाँ बनी हुई है। और ये जो छतरियाँ हैं आप इनका आर्किटेक्चर देख सकते हो, सबका लगभग एक जैसा है। वो कुल छतरियाँ 46 यानी 46 छतरियाँ बनी हुई है। इन सब छतरियों का जो है आकृति एक जैसा है, इनका आर्किटेक्चर एक जैसा है। और ये जो छतरियाँ हैं वहाँ से लेके उधर, एक बार उधर दिखाओ, वो ये सारी दिखाओ, आगे दिखाओ थोड़ी आगे हुआ, यहाँ से लेके देखो आप, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो देख सकते हो, ये देखो, ये जो छतरियाँ हैं टोटल 46 छतरियाँ हैं। और यहाँ पर इसके पीछे भी कुछ छतरियाँ बनी हुई है। और इनका निर्माण जो है उनके समय शासन काल में भी हुआ है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी छतरी किन के याद में बनाई हुई है। ये देखिए, यहाँ से आप थोड़ा नज़दीक से देख सकते हो इसका आर्किटेक्चर जो इतने समय पहले जो बना हुआ है, और लगभग लगभग सबका एक जैसा ही बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैं इसके जो है यहाँ पर ऊपर आके दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी छतरियाँ बनी हुई है, इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये जो स्थान है ना, जोधपुर के राज घराने के प्रारंभिक शासकों और रानियों का प्राचीन दाह संस्कार इस पंचकुंडा नामक स्थान पर होता था। और यहाँ पर तत्कालीन शासकों द्वारा अपने पूर्वजों की याद में 46 छतरियाँ बनाई हुई है, लगभग एक जैसा है। अगर आपको ये जगह अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।